पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी, इससे पाकिस्तान आज भी खौफ में है। पाकिस्तान को इस बात का अब भी डर है कि भारत आतंकियों के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने चीन से लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर के पास तैनात कर दिया है। सूत्रों की माने तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने चीन से 4 मिसाइल सिस्टम मंगवाकर यहां तैनात किया है। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बहावलपुर में तैनात किया गया है, जहाँ जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। पाकिस्तान के डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2015 में चीन से उसका 9 मिसाइल सिस्टम LYUSC का करार हुआ था। बालाकोट से पहले 5 मिसाइल सिस्टम चीन से पाकिस्तान को मिल चुके थे। बाकी 4 मिसाइल अगले 4 साल में आनी थी, लेकिन डरे पाकिस्तान ने एक साथ 4 सिस्टम एक साल में ही ले लिए। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम LYUSC की मारक क्षमता 40 से 70 किलोमीटर की है। सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक यह मार कर सकता है। सूत्रों की माने तो चीन से मिले 5 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान ने मरी, गुंजरावाला, रिफानला, रहीम ग्यार खान और सखर के एयरबेस और सैन्य ठिकानों में तैनात कर रखा है। वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एक साथ मंगवाए गए 4 मिसाइल सिस्टम को बहावलपुर, पानोअकिल, मुल्तानो और मलेर एयरबेस और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में तैनात किया गया है। पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा है कि भारत जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय बहावलपुर पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान को अब भी ये लगता है कि भविष्य में अगर भारतीय वायुसेना कोई कार्रवाई करती है तो वो बहावलपुर पर हो सकती है। इसी के कारण पाकिस्तान ने यहाँ चीन से मंगाए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।